फिर हम भी रोड पे आते। अरे बेजार हो जा रहे हैं साहब, 8 साल से, आज से तो रात में मैं खुद निकल रहा हूँ, पूरे रोडों पे हम फिरेंगे, कहीं अगर ये लोग दिखेंगे तो फिर अब वो हमारी भी पठानी करना पड़ता। रात भर घूमूंगा भाई, सुबह फजर तक मैं रोड पे रहने वाला हूँ। अगर कहीं भी अगर हम ये देखेंगे कि गौ रक्षा समिति के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर ये गुंडा अनासिर जो जानवर खींच के फिर लेके जाके मार्केट में बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। जैसा आप लोग जानते हैं कि कल मैं वादा किया था आवाम से कि ये जो जानवर ला रहे हैं लोग, ये जानवर लाने वालों को ईद बकरीद के मौके पर जो जानवर ला रहे हैं इनको मुख्तलिफ मुकामात पर गौ रक्षा समिति के नाम पर कुछ गुंडा अनासिर जो है इनको रोक कर इनके जानवर खींच ले रहे हैं, और मुसलसल पुलिस को बोलने के बावजूद पुलिस इनको रोक रही नहीं है। कोई भी प्राइवेट आदमी को इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो कानून हाथ में ले। अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं या हमारे लोग कुछ गलती कर रहे हैं तो कानून है, पुलिस है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पुलिस खामोश बैठी हुई है। तो उसके लिए क्योंकि अब पुलिस को एक्शन में लाना बोले तो अमजदुल्ला खान को रोड पे आना पड़ा। आज मैं पूरा शमशाबाद से लेकर आपके बालापुर रोड, शमशाबाद, फिर आपके उधर जो दिलसु नगर के रोड से पूरा फिरते हुए आप देख सकते हैं, अब मैं LB नगर की साइड पे जा रहा हूँ। रात भर घूमूंगा भाई, सुबह फजर तक मैं रोड पे रहने वाला हूँ। अगर कहीं भी अगर हम ये देखेंगे कि गौ रक्षा समिति के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर ये गुंडा अनासिर जो जानवर खींच के फिर लेके जाके मार्केट में बेच रहे हैं, और पुलिस खामोश तमाशा है। तीनों कमिश्नर से हमारा मुतालिबा है, साइबराबाद, हैदराबाद, रचाकोंडा, के इन गुंडा अनासिर को कंट्रोल करिए, इनको गिरफ्तार करिए, इनको हम बारह बोल रहे हैं, इनको गिरफ्तार करिए। तो आज मैं आज से लेके ईद उल अधा यानी बकरीद की ईद तक रोजाना रात में हम रोडों पर फिरेंगे। जहां पर भी कंप्लेंट आएगा पहले हमारा काम रहेगा कंसर्न पुलिस वालों को कंप्लेन करेंगे हम, अगर वो लोग एक्शन में नहीं आएंगे उनके खिलाफ में हम सीनियर ऑफिसर्स को कंप्लेन करेंगे। और एक बात ये है कि अगर कहीं भी ये गौ रक्षा समिति के नाम पर गुंडा अनासिर अगर कहीं रोडों पे किसी को रोकते हुए दिखेंगे, हम उनकी वीडियोग्राफी करके वो पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के खिलाफ में एक्शन लेने पर हम मजबूर करेंगे हम। तो आपका भाई अमजदुल्ला खान रोड पे है, आज सीधा सीधा चलो ब्रिज पे से चलो। तो बहरहाल पूरे रोडों को हम चेक कर रहे हैं, मैं पूरे तहरीक के कारकुनों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आज जो है आवाम को आपकी जरूरत है, आप लोग रोड पर आइए, पूरा निगरानी रखिए कहाँ से, और जो लोग जानवर लेकर आ रहे हैं मेरी उनसे भी गुजारिश है मेरे भाई, आप जो है 4 जानवर या 5 जानवर से बढ़ के मत लाइए, आपके पूरे जानवर गिरफ्तार हो जा रहे हैं। तो मैं फिर से दोबारा हमारे तीनों कमिश्नरेट से आपसे अपील कर रहा हूं कि आप जो है कानून को नाफिज करिए, गुंडा अनासिर को गिरफ्तार करिए। यार जिंदा सबक वक्त।